मैं हनुमान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो कि ये रथ के साथ मैं हूं और हमारे साथ गुरु जी के शिष्य हैं। और ये रथ यात्रा आज संपूर्ण भारत में निकल चुकी है और ये संपूर्ण भारत में यात्रा करते हुए आज भुवनेश्वर में पहुंची है। कल हम जगन्नाथपुरी का भी दर्शन कर लिए और वहाँ पर भी एक रैली निकाले थे, तो आज भुवनेश्वर में आ चुके ये रथ यात्रा। और हम 75 तीर्थों का जल और रज लेते हुए हम अयोध्या पहुँचेंगे और हम जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक चुटकी अक्षत ले रहे हैं और उस एक चुटकी अक्षत को भगवान श्री रामलला के चरण में समर्पित करेंगे। हनुमान सेना ये जो रथ आज आपके सामने आप देख रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के आशीर्वाद से ये रथ बीकानेर से स्टार्ट हुई है और हम सनातनी के लिए हमारा संगठन काम कर रही है। और हम ये बता रहे हैं कि जो युवा आज भटक रहे हैं, उस युवा को हम बोल रहे हैं कि भगवान श्री रामलला का, भगवान श्री राम का चरित्र को ऊपर विचार करें, उनके चरित्र के लिए देखें कि भगवान श्री रामलला क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसे अपने जीवन निर्वाह किए, कैसे अपने 14 साल अपने वनवास में गए। तो हम युवा को जैसे अपने रास्ते से ना भटके, उसके लिए हनुमान सेना काम करती है और हम सनातनी के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। काली राति 12:00 रथ आसी अच्छी, हजार हजार लोक मैंने आसी दर्शन करछन्ति। रथ आसी पहुँचला परे राति ठारु वर्तमान सकाळ 10:00-11:00 पर्यंत हजार हजार लोक आसी समस्त दर्शन करछन्ति। आम तो खुशी लागुछि पांडरा छकरे उत्कलमणि गोपबंधु आदर्श बुद्धाश्रम परिसर रथ राति ठारु अछि, लोक मानकर दर्शन। पिला माने श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षांतर पिला माने अछन्ति, समस्ते आसिक आम रथ जो आसी आम परिसर मध्य अच्छे समस्ते दर्शन कर खुशी अच्छे। भुवनेश्वर में रथ के लिए बहुत खुश हूँ और अयोध्या में राम मंदिर बन रहे हैं और हमारे गुरु जी का भी 75वां वर्ष है, उनका भी अमृत महोत्सव है, वो मेरे गुरु जी हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई मैं आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद मेरे को मिले, बस मेरी यही प्रार्थना है।